हेलो फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज विनर्स का, जो इकोनॉमिक्स में अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया है 3 इकोनॉमिस्ट को। तो पहले हैं हमारे डैरन एस मोंगलू, सेकंड वन इज साइमन जॉनसन एंड द थर्ड वन इज जेम्स रॉबिन्सन। तो इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है इन 2024। तो आज हम बात करेंगे कि इन्होंने किस टॉपिक पे ऊपर काम किया, इनके फाइंडिंग्स क्या थे, इन्होंने क्या बताया जिससे इन्हें नोबेल प्राइज मिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली बात आती है कि इन इकोनॉमिस्ट ने किसके ऊपर बात करी, मतलब इनकी स्टडी किसके ऊपर बेस्ड थी। तो इनकी स्टडी थी कि व्हाई आर सम नेशंस रिच एंड अदर्स पुअर, कि क्यों कुछ नेशंस रिच हैं और कुछ नेशंस पुअर हैं। उसके बाद व्हाई डू सम नेशंस फेल व्हाइल अदर सक्सीड इन अचीविंग प्रोस्पैरिटी, कि क्यों कुछ नेशंस फेल हो जाती हैं और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ नेशन सक्सीड हो जाती है इन अचीविंग प्रोस्पैरिटी। तो ये इनका टॉपिक था, इनका इन्होंने आंसर बताया कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ नेशंस रिच हो जाती हैं, कुछ नेशंस अपने पुअर हो जाती हैं, और कहीं कई कई नेशंस में एक पॉलिसी सक्सीड हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी कंट्री में वो चीज फेल हो जाती है। तो इन्होंने क्या बताया वो हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्टली दीज लॉट्रिएट्स हैव डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले इन्होंने बात करी है सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस की, कि अगर किसी भी नेशन को हमें देखना है ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वहां पर वो है उनका सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, कि वहां पे संस्था कैसी है, उनकी सोसाइटी कैसे ऑपरेट करती है, वो बहुत जरूरी है। तो उनको, उन सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने दो टाइप्स में डिस्टिंग्विश किया। उन्होंने कहा पहली होती है इंक्लूसिव एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर होता है हमें डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेट हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी राइट है कि ये मेरा है। तो ऐसे जहां पर एटसेट्रा, ऐसे जहां पर आपको करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे तो हम कहेंगे वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं। वहीं उसका अपोजिट आता है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, ये वो होगा जहां पर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है और जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हैंड्स में है, लाइक डिक्टेटरशिप हो गई, ऑटोक्रेसी हो गई, लाइक यू कैन से कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट की हम बात करते हैं तो उस टाइम वही था, जिनके पास रिसोर्सेस थे उन्हीं के पास पावर थी। तो इन द सेम वे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो है, या वो नेशंस को हम डिफाइन करते हैं जहां पर ऑटोक्रेसी है, जहां पे डिक्टेटरशिप है, मींस किसी, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। तो उन्होंने नेशंस को उनके सोसाइटल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे दो चीजों में बाइफर्केट किया, फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव, द सेकंड वन इज एक्सट्रैक्टिव। इन्होंने कहा जिस नेशन में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है ना, वहां पर आपको ज्यादा प्रोस्पैरिटी, ज्यादा ग्रोथ दिखेगी एज कंपेयर टू एक्सट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री में, जिस नेशन में आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन है, एक पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर है, डेमोक्रेसी है, वहां के पीपल ना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। वहीं पे जब एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जब लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है और ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, तो वहां पर लोग लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, और यहाँ पे सोचेंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। When people are sure about their property and income are safe and won't be taken away, they focus on activities that help to grow the economy in the long run, like starting businesses and investing. आप इंडिया का एग्जाम्पल लो। इंडिया में क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स हमारे डिफाइंड है। यहाँ पर जब प्रॉपर्टी राइट है, अब आपको पता है जिस घर में आप रह रहे हो और आपके पास उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये घर मेरा है,
और आपको ये पता है ये प्रॉपर्टी मेरे से कोई भी नहीं ले सकता फ्यूचर में, तो आपका एक एम या एक मोटिव क्या होगा कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में काम करूं? क्यों? क्योंकि ये तो मेरा है ही, और इन फ्यूचर जो भी मैं कमाता हूँ वो मेरे बच्चों को मिलेगा आगे, जो कि इंडियन की मेंटालिटी होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी राइट है, हमें पता है हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हम अपना ध्यान लगाते हैं ज्यादा पैसे कमाने में, ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में, जिसका फायदा फ्यूचर में जाके हमारे बच्चे भी उठा सकें। बट इन केस मान लो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे आपका राइट ही नहीं है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां पर, यानी कि मान लो डिक्टेटरशिप है, कोई भी एक बंदा है जो रूल कर रहा है इंडिया को, और वो आपकी प्रॉपर्टी कभी भी आके ले सकता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो क्या आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊं और मैं फ्यूचर में रखूं? नहीं सोचोगे। क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि आपको पता है आज मेरी है, क्या पता कल डिक्टेटरशिप में आके ये लोग मेरी प्रॉपर्टी ही रख ले। एम आई राइट? तो यही चीज है कि जब पीपल श्योर होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर और उन्हें पता है कि हमारी इनकम सेफ है और कोई भी नहीं ले सकता, तो वो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इकोनॉमी को ग्रो करती है लॉन्ग रन में। जबकि अगर एक कंट्री के अंदर कोई फेयर सिस्टम है ही नहीं, जो इक्वालिटी मानते ही नहीं, तो वहां पर मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। वहां पर तो ये होता है आज कमाओ आज खाओ दैट्स इट, क्योंकि कल का भरोसा ही नहीं है कि यह प्रॉपर्टी आज हमारी है कल किसी और की हो जाएगी, कोई भी ले लेगा हमसे इसका जब मन करेगा। तो जिस नेशन में एक प्रॉपर्टी राइट्स अच्छे से डिफाइंड है, जो डेमोक्रेसी है, कंट्री है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, वहां के लोगों का सारा मोटिव होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो वो नेशंस डेवलप कर जाते हैं। वहां जो लोग हैं अच्छे से मेहनत करते हैं और वो रिच कंट्रीज में कन्वर्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जहां पर जिस कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, वहां के लोग आज में जीना पसंद करेंगे कि आज मैं कमा रहा हूँ, रह रहा हूँ, ठीक है, कल कोई भी मेरा ले सकता है, तो मैं नहीं कमा रहा इतना आगे के लिए, जब कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है यहाँ पे। तो वैसी कंट्री, वो वाले नेशन हमारे पुअर होते जाते हैं जहाँ की जनसंख्या या पॉपुलेशन इस वे में सोचती है। तो इनकी जो स्टडी थी ना, वो यूरोपियन के ऊपर थी, यूरोपियन जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, तो इन्होंने ये देखा, अगर दो कॉलोनीज बटी हुई हैं, तो इन्होंने एक कॉलोनी में ये देखा कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करके और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके कुछ ही बंदे बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरी कॉलोनी में ऐसे थे कि सारे मिलके ऐसे रह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो वहां से इन्होंने बाइफोकेट किया इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का। तो मीन्स हमारी सोसाइटल इंस्टीट्यूशन क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक नेशन को पुअर बनाने में और रिच बनाने में। पुअर बनाने में इसलिए होगा क्योंकि उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, रिच में इसलिए होगा कि जब सारे पॉपुलेशन, जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो एक अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो पूरी नेशन ग्रो करेगी। सो दैट्स द रीजन कि क्यों एक कंट्री, क्यों एक नेशन पुअर होता है और क्यों एक नेशन रिच होता है, या क्यों एक पॉलिसी एक कंट्री में सक्सीड होती है और दूसरी में फेल हो जाती है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।